हाय गाइस, दिस इज यशपाल एंड यू आर वॉचिंग यस टेक स्कूल। एंड आज मैं आपको बताऊंगा लुकअप पिक्चर्स के बारे में। लुकअप पिक्चर्स से एक तरीके से जो आपने वी लुकअप पढ़ा था या फिर आपने एच लुकअप पढ़ा था, एच लुकअप के अलावा आपने इंडेक्स फार्मूला पढ़ा था, तो उसी तरीके से क्या होता है, ये वर्क कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम अभी तक जो वी लुकअप थे, तो वी लुकअप में क्या करते थे, हमें लुकअप वैल्यू डालनी पड़ती थी, हमने एरे सेलेक्ट करना पड़ता था, जो हम वैल्यू वहाँ से सेलेक्ट करते थे तो वही हमारा एरे में से वैल्यू उठ के आ जाती थी, जो फैच हो जाती थी। ये अभी तक हम करते आए थे वी लुकअप एच लुकअप में। और इसी तरीके से और कुछ ज़्यादा हम करते आए थे, कुछ एडवांस हम करके आए थे इंडेक्स में, ठीक है। तो वही भी वो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, पर हमें करना क्या है कि हम भी यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे मेरी पिक्चर ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगी, उठ के वहाँ से आ जाएगी। तो ये हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम जो फंक्शन यूज़ करना है वो सेम जो हम पहले करते आ रहे थे इंडेक्स का और मैच का, ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कुछ एक सिंपल सी लिस्ट यहाँ पे बनाई है, जो आप देख रहे हैं कुछ बाइक है यहाँ पे, बाइक के नेम हैं और यहाँ लोग हैं, तो कुछ भी डाल सकते हो उसमें, क्या ब्रांड डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके एम्प्लॉइज़ नेम हो सकते हैं, या एम्प्लॉइज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोटो हो सकते हैं, ये भी आपको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि होता है क्या, जैसे हमें एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड बनाना, तो उस काम में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉइज़ नेम लिख लीजिए, उनके फोटो लिख लीजिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज़ का नेम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उनको फोटो आते जाएंगे। तो इस तरीके से भी इसका आप यूज़ कहीं ना कहीं कर सकते हैं, पर आपको सबसे पहले एक बार उसे सेट करना पड़ता, तब जाकर उसका यूज़ आप कर पाएंगे। अगर आपने सेट नहीं किया ना, तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से मैंने सेट कर रखा है। तो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे बाइक सेलेक्ट करूँगा, लोगो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे बाइक सेलेक्ट करने के सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, आप अच्छी तरह से जानते, डेटा पे जाना होता है। डेटा पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, डेटा पे चलते, डेटा पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना होता है। वैलिडेशन के बारे में मैंने आपको पहले से वीडियो बनाया हुआ है, वैलिडेशन से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो और क्या क्या इसमें ऑप्शन होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरे वीडियो में जाके, प्ले लिस्ट में जाके आप सारा एक्सेल के वीडियोज़ वहाँ पर देख सकते हैं, जो कि होम टैब से लेकर पूरी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं वेरी डिटेल में। जो अब ये जो मैं बना रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए करना आपको ये सिंपली ये है कि डेटा वैलिडेशन पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स पे क्लिक करना है, और सोर्स पे क्लिक करने का सिंपली आपको ये बताना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, ये है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। दोबारा इस पर क्लिक कर दीजिए, और किस पे क्लिक कर देंगे, ओके। आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे सारी कंपनियों के नाम आ रहे हैं, बजाज या जो भी, होंडा जो सारे कुछ यहाँ पे आ रहे हैं, हैं जी। तो यहाँ मैं चाहता हूँ होंडा सेलेक्ट करूँ तो होंडा का लोगो आना चाहिए, मैं यहाँ अगर बजाज सेलेक्ट करूँ तो बजाज का लोगो आना चाहिए। तो मैं कुछ बेसिकली ये करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको करना ये, सबसे पहले ये जो आपके पास लोगो है उसका यहाँ पर आपको रेफरेंस देना होता है ना, रेफरेंस। तो रेफरेंस कैसे देते हैं कि आपको यहाँ क्लिक करना है, आपको पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ क्लिक करना है, उसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है इस एरिया को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो जब आप पेस्ट करेंगे तो एज अ पिक्चर, एज अ लिंक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल का, पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होता है, उसको हम बोलते हैं लिंक्ड पिक्चर। वो आप ऊपर से भी कर सकते हैं, लिंक पिक्चर पर आपको क्लिक करना है, तो ये आपका पिक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिंक होने से क्या बेनिफिट हो गया जी, लिंक होने से ये हो गया कि यहाँ का इसका रेफरेंस मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली यहीं से आपके वैल्यू आती जाएंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन करता हूँ इसमें, तो यहाँ पे मुझे दिखता है क्योंकि मैंने वो लिंक कर रखा है, जैसे ऐसा कुछ मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे, तो ये मैंने लिंक किया है। उसके बाद आपको करना क्या है, मैं यहाँ से अभी बजाज है, मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा होंडा, तो होंडा आ जाना चाहिए। और इसी तरीके से मैं यहाँ कोई और कंपनी सेलेक्ट करूँ हीरो, तो उसका हीरो का यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो लोगो, तो ये मैं चाहता हूँ, तो अभी तो नहीं आ रहा। तो लाने के लिए आपको करना ये है कि भाई आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है, इस वाले सेल पे आप आ गए। यहाँ सेल पे आने के बाद आपको फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे आपके पास एक नेम मैनेजर होता है, नेम मैनेजर पे चले जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू पे जाके फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम बताना, उसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं, तो नाम मैं लिख लेता हूँ लुकअप पिक मैं रख लेता हूँ उसको, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना है, सबको हटा दीजिए, सबसे पहले आपने इक्वल लगाना है, इक्वल के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है इंडेक्स, ओके। इंडेक्स फॉर्मूला के बारे में अगर नहीं जानते तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, इंडेक्स के बारे में आपको वहाँ पर पता पड़ेगा तो किस तरीके से यूज़ करते हैं। इंडेक्स लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो आपको सबसे पहले ये पता होता है हमें वहाँ पर क्या करना होता है, एरे सेलेक्ट करना होता है। तो हमारे पास एरे कहाँ है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो मेरे पास ये एरे, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, फिर कॉमा लगाना होता है यहाँ पे। कॉमा लगाने के बाद क्या होगा, मैंने एरे तो सेलेक्ट कर लिया, फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैच लिखना है। मैच क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं हीरो सेलेक्ट करूँगा तो हीरो का लोगो चाहिए, यहाँ जो भी सेलेक्ट करूँगा उसको मुझे लोगो चाहिए, तो मैच मैंने लिखिया।
मैच लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगा के आपने मैच लिखा, सिंपली आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप मैच यूज़ करें यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना होता है। तो मैं यहाँ मैच का शुरू करूँ तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहाँ पे डालनी है ये लुकअप, हमारे पास ये जो वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे जब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो सारा कुछ लोगोज यहाँ आने चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको ये सारे जो बाइक के नेम उनको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो गए, फिर कॉमा लगा के आपको जीरो करेंगे। जीरो मतलब एग्जैक्ट मुझे यही चाहिए, इसलिए हम जीरो लगाते हैं। ये यहाँ तक काम हो गया। आप दो बार ब्रैकेट को बंद करेंगे क्योंकि आपने दो बार ओपन किया है, वन और ये टू, और ओके पे क्लिक कर देंगे। सिंपल। तो यहाँ तक आपका ये काम हो चुका है। तो आपका फंक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि मैंने आपको बनाया है, और यहाँ से फिर इसको क्या कर दीजिए, आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना ये है कि जो कि आपने यहाँ पे ये रेफरेंस दिया था, इसको कॉपी पेस्ट पिक्सल लिंक की थी, तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। और यहाँ पे हटाने के बाद जो आपने डिफाइन किया है फॉर्मूला वहाँ पे नेम मैनेजर को, उसको यहाँ पे आपको लाना है। तो उसका नाम क्या था, कुछ इस तरीके से था, लुकअप पिक। यहाँ पे आगे यहाँ पर ये आपके पास आएगा और आपको एंटर दबाना है। ठीक है, जैसे आपने एंटर दबाया तो आपके पास देखिए यहाँ पे मैंने हीरो सेलेक्ट किया तो हीरो का लोगो आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर बजाज सेलेक्ट करूँगा तो बजाज का आ गया। थोड़ा सेटिंग नहीं हो पाई क्योंकि मैंने थोड़ा साइज़ उसका छोटा कर रखा है। इसी तरीके मैं होंडा सेलेक्ट करूँगा तो होंडा का आ गया। यहाँ पर अगर मैं हीरो सेलेक्ट करूँगा तो हीरो का आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, कोई भी लोगों को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे बजाज या जो भी आप करेंगे, जो आपने साइज़ सेट किया उसी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लुकअप पिक्चर्स था, तो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है कि क्या करना है, उसको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, कमेंट जब करना है। जब आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, मैं इसका सॉल्यूशन जो भी होगा मैं आपको करके बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद आए शेयर ज़रूर करिए।